गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास में हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी क्लास 11 पार्ट 1 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से वायुमंडल के अंदर जो बाहरी कारक होते हैं या वायुमंडल में जो पदार्थ मिले हुए होते हैं वो किस तरीके से पृथ्वी पर इफेक्ट डालते हैं और उस इफेक्ट से हमारी मौसम प्रणालियां किस तरीके से ऋतु परिवर्तन करती हैं और किस तरीके से कुछ क्षण मात्र में ही वायु चेंजेस हो जाती है, उसमें मौसम में बदलाव आ जाता है। आज हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है वायुमंडलीय दाब एवं मापन, यानी वायुमंडलीय का अर्थ क्या होता है, दाब का अर्थ क्या होता है। जैसे कि आप सभी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है और हमारे वायुमंडल के अंदर भी कई गैसें, अशुद्धियां व धूलकण, जलवाष्प इत्यादि तत्व मिले हुए होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य तप के अंदर इनके अंदर भार उत्पन्न हो जाता है, यानी जलवाष्प इनके अंदर वाष्प उत्पन्न हो जाता है, वो भार के कारण जो उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है जहां पर इनके अंदर भार होता है वो निम्न क्षेत्र यानी जहां पर भार नहीं होता उसकी तरफ गति करता है और गति करने के उपरांत हमारे धरातल के ऊपर प्रेशराइज होता है यानी दबाव डालता है, उसे ही हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके मापन का अर्थ है कि जो हमारी वायु मंडल होता है वायुदाब मापने के लिए पारद बैरोमीटर या निदर्भ बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में वायुदाब मापने के स्वचालित यंत्र को बैरोग्राफ कहा जाता है। आइए हम इससे पहले जो है वायुमंडल दाब अर्थ एवं मापन का एक बार दोबारा से अध्ययन करते हैं। वायु गैसों के अणुओं से बनी एक भौतिक वस्तु है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी वस्तुओं की भांति वायु में भी भार पैदा करता है। इसी भार के कारण वायु भूपृष्ठ पर दबाव डालती है जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। परिभाषा की अगर बात करें तो धरातल जो हमारा स्थल या सागर का कोई सा भी धरातल होता है उस पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर मध्य समुद्र तल के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुमंडल दाब कहा जाता है। जितनी भी परतें होती हैं उन परतों में वायुमंडल के द्वारा अनेक क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं से हमारे धरातल पे चाहे वो स्थलीय भाव हो चाहे वो सागरीय भाव हो उन पर पड़ने वाले प्रेशर को दबाव को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब मापने के लिए पारद बैरोमीटर अथवा निदर्भ बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल मापने के स्वचालित यंत्र को बैरोग्राफ कहा जाता है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल में वायुदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बैरोग्राफ। इसके बाद आता है वायुमंडल दाब का प्रभाव और महत्व। मौसम और जलवायु के नियंत्रक के रूप में वायुदाब और पवनों का सबसे अधिक महत्व होता है, यानी जो भी आपकी पवनों की दिशा में बदलाव आते हैं या मौसम या जलवायु में जो बदलाव आते हैं उसमें वायुदाब का एक अहम किरदार होता है, यानी वो एक अहम रोल निभाता है। इसके अंतर्गत इसके महत्व भी पवनों का सबसे अधिक महत्व होता है, जिसमें नंबर एक पे आता है आपका वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न होती है। यानी वायुदाब में अंतर से क्या तात्पर्य हुआ कि जो आपका धरातल होता है उसके स्थलीय भाग और जो आपका सागर का भाग होता है उन दोनों के धरातल पर वायुदाब अलग अलग होता है। यानी कहने का भाव यह है
कि जब सूर्य ताप आपके धरातल पर पड़ता है या सागरीय भाग पर पड़ता है तो दोनों के अंदर अंतर पाया जाता है वायु दाब के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारा जल होता है यानी महासागरों का जल होता है वो देर से ही तो ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, जबकि हमारा जो स्थलीय भाग है वो जल्द ही तो गर्म होता है और जल्द ही ठंडा होता है, जिसके कारण उन दोनों के वायुदाब के भार में अंतर पाया जाता है। जो निम्न वायुदाब का होता है उच्च वायुदाब उसकी ओर आकर्षित होता है और उसको लेवल में यानी बराबर करता है, जिसके कारण वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न होती हैं। वायुदाब मौसम को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही कहा गया है कि जो वायुदाब होता है मौसम को प्रभावित करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, इस कारण से भी वायु में मौसम में बदलाव आता है। निम्न वायुदाब की अवस्था में वायु आकाश में ऊपर की ओर उठती है, यानी निम्न वायुदाब की अवस्था में वायु ऊपर की ओर उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि जो उच्च वायुदाब वाली वायुदाब होता है वो निम्न की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण जो निम्न होता है वो ऊपर की ओर उठता है और जो उच्च होता है वो नीचे जो निम्न होता है उसको ऊपर उठाने का कार्य करता है। आकाश में ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं, इससे वृष्टि भी होती है। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं वो संघनित होते हैं, संघनित का मतलब होता है यानी जो जलवाष्प होते हैं वो निम्न जल वायुदाब के साथ मिलकर जलवाष्प का निर्माण करते हैं और वो जलवाष्प एक दूसरे के साथ मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं, जिससे वृष्टि होती है, कहने का भाव है वर्षा होती है और मौसम में को प्रभावित करती है और उसमें बदलाव आता है। इसके बाद है उष्मा और आर्द्रता का स्थानांतरण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वायुदाब के अंतर से उत्पन्न पवने उष्मा और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके मौसम और जलवायु को तदानुसार प्रभावित करती है, यानी जो उष्मा यानी सूर्य से निकलने वाली उष्मा और हमारी पृथ्वी की जो उष्मा होती है और आर्द्रता यानी जो उन दोनों के जलवाष्प को वायुदाब पड़ने से जो आर्द्रता उत्पन्न होती है उन दोनों के कारण मौसम में बदलाव आता है और उष्मा और आर्द्रता को भी प्रभावित करती है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। इसके बाद आता है वायुदाब में उतार चढ़ाव से मौसम का पूर्वानुमान होता है, यानी कहने का भाव यह है कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में उतार चढ़ाव होता रहता है, कुछ क्षण मात्र के अंदर भी यह उतार चढ़ाव होता रहता है। उसी उतार चढ़ाव के कारण वायु की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है और हमारे मौसम में भी बदलाव होता रहता है। तेजी से गिरता हुआ वायुदाब चक्रवात के आने की सूचना देता है, जिससे वर्षा और आंधी आ सकते हैं। इसके विपरीत जहां उच्च वायुदाब होता है वहां मौसम सुहावना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया समुद्र तट के नजदीक आपका जो मौसम है वो सुहावना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको उच्च वायुदाब प्राप्त होगा। इसके बाद आता है आपका वायुदाब में उद्रवर्त भिन्नता। उद्रवर्त भिन्नता का मतलब अर्थ है कि जो पवने हमारे धरातलीय भाग से ऊपर की ओर जाती हैं, उन्हें हम उद्रवर्त पवने कहते हैं। समुद्र तल पर वायु का दाब सबसे अधिक 1013.25 मिलीबार होता है। वायुमंडल के निचले भाग से वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, यद्यपि ऊंचाई और वायुदाब के बीच कोई सीधा और स्पष्ट अनुपातिक संबंध नजर नहीं आता। वायुदाब के उद्रवर्त वितरण को अनेक गतिक और तापीय प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं, जैसे वायु का तापमान बढ़ना और घटना, वायुदाब में जलवाष्प की मात्रा, समुद्र तल से ऊंचाई और पृथ्वी का घूर्णन इत्यादि।
ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी जो हमारा क्षैतिज प्रवणता यानी तिरछा प्रवणता होती है, प्रवणता का अर्थ होता है समतल करना, के यानी उसको बराबर करना। जो निम्न वायुदाब है और जो उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब अगर हमारे निम्न वायुदाब की तरफ क्षैतिज आती है यानी तिरछी आती है तो वो ज्यादा वायुदाब नहीं डालती, जबकि जो ऊर्ध्वाधर यानी जो नीचे से ऊपर की ओर उठती है अगर वो हो तो वो वायुदाब प्रवणता अधिक डालती है, ज्यादा डालती है बकायदा क्षैतिज पे, यानी जो वायुदाब तिरछा पड़ेगा उसकी बजाय अगर सीधा ऊर्ध्वाधर पड़ता है तो उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किंतु आमतौर पर यह समान लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाती है, इसलिए हम ऊपर उठती शक्तिशाली पवनों की प्रबलता को महसूस नहीं कर पाते। यानी कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी से पवने निकलती हैं बाहर की ओर वायुमंडल की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी के धरातल पर पाया जाता है, जिसके कारण हम उन ऊर्ध्वाधर पवनों को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जो क्षैतिज पवनें चलती हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, आप उसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो कहने का भाव हमारी वायुदाब पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसी लेसन के बारे में पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।